बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कहती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन नगेट्स बना रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, मैं चिकन नगेट्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चिकन नगेट्स बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने एक पाउच चिकन ली है बोनलेस, 3 से 4 चम्मच लहसुन के, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, ये 2 स्लाइस हमें ब्रेड के चाहिए और इसके हम किनारों को काट लेंगे। इसके किनारों को हम अलग कर लेंगे। इस तरह 2 स्लाइस कर लेंगे। छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। हम ब्लेंडर में जो है वो अपना चिकन डालेंगे और इसके अंदर ये लहसुन और हरी मिर्चें डाल देंगे। इसमें ये काली मिर्च का पाउडर और ये नमक शामिल कर लेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। मैं चिकन ब्लेंड हो गया, इसमें हम ये ब्रेड भी शामिल करके इसको भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मसाला जो है वो ब्लेंड हो गया, हम इसे निकाल लेंगे और बाकी का जो मिक्सचर है उसे भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमारे चिकन नगेट्स का मसाला तैयार है, अब हम इसको शेप दे देंगे। तो हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इसको हम पकड़ के जो है वो इस तरह इसको गोल शेप में पहले इस तरह बना लें और इसको यूँ दबा के अंडे की मदद से जो है इस तरह दबाएं। ये इस तरह जो है आप नगेट्स को शेप दे दें और बाकी मैं सारी इस तरह बना लूँगी। ये हमारे नगेट्स से आ रहे हैं, हम इसको फ्राई कर लेंगे। तब नगेट्स के ऊपर जो है वो अंडे से और ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर लेंगे। अंडा लगाने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये इस तरह मैंने लगा ली और इस तरह बाकी सारों के ऊपर भी मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के रख लूंगी। मैंने सारे नगेट्स के ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा लिया, हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गरम कर लिया है, ऑयल को जो है मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। इसके अंदर चिकन है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। अब दोनों साइड से जो है हम इसको गोल्डन कलर दे लेंगे। हमारे नगेट्स फ्राई हो गए, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो प्लेट में सारे नगेट्स को निकाल लूंगी और इसी तरह बाकी भी जो है वो फ्राई कर लूंगी। हमारे ज़बरदस्त से चिकन नगेट्स तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है। ये देखें,
देखें कितने ज़बरदस्त हमारे नगेट्स तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के बेल आइकन को दबाने ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।